बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके पैर नहीं उठते हैं, या फिर ट्रेनिंग में आपकी परफॉर्मेंस हमेशा डाउन जा रही है, आपकी रिकवरी स्लो हो रही है, और या फिर आप बार बार इंजर्ड हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। जय हिंद, मैं विजय शुक्ला, इंटरनेशनल कोच, इंटरनेशनल एथलीट, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड, नीदरलैंड से सर्टिफाइड फॉर इंटरनेशनल कोचिंग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शेयर करूंगा, जो कि है हमारी हार्ट बीट। अब हमें यहां पर यह समझना है कि हमारी हार्ट बीट हमारी इन सब चीजों को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि जो खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है, वो खून ही सारी एनर्जी को हमारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और साथ ही साथ वो खून हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारे बॉडी में लैक्टेट बनेगा, और जब लैक्टेट बनेगा तो हमारे पैर भरने लगेंगे, हमारी रिकवरी स्लो हो जाएगी, और लैक्टेट अगर बहुत हाई होता चला गया तो बहुत ही जल्दी आप इंजर्ड होंगे। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? तो इन सब का वन टाइम सॉल्यूशन है अपने हार्ट रेट पर नजर रखना। अब हार्ट रेट में हम तीन तरीके से नजर रखते हैं। पहला तो हमारा होता है रेस्टिंग हार्ट रेट, जो कि आपको इंजरी फ्री रखेगा, जो कि आपकी ट्रेनिंग में आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाएगा। अब रेस्टिंग हार्ट रेट लेना कैसे है, इसको बहुत ध्यान से सुनना है, अगर नहीं समझ आता है वीडियो को रिप्ले करके सुनिएगा। रेस्टिंग हार्ट रेट दिन की सबसे पहली चीज होती है। जैसे ही आप बेड पे उठे, आपने आंखें खोली, आपको अपना रेस्टिंग हार्ट रेट लेना है। कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि वो गर्दन पे कहीं भी हाथ रख के बीप को पकड़ लेते हैं। ध्यान रखिए, सुपीरियर वेना कावा, जो कि यहां पर है, जहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके दिल में जा रहा है, सबसे एक्यूरेट हार्ट बीट यहीं से आती है। सुपीरियर वेना कावा पे हाथ रखिए, और 30 सेकंड के अंदर कितनी बार पल्स आई है उसको 2 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1 मिनट की हार्ट बीट लेनी होती है। तो जो भी आपकी हार्ट बीट आई है 30 सेकंड से कम नहीं, क्योंकि 15 सेकंड का लेंगे तो एरर हो सकता है, 1 बीट का एरर हुआ तो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। उस हार्ट बीट को आप अपनी डायरी में रोज नोट करिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि जिस दिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी उस दिन मॉर्निंग में आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट कम थी, और जिस दिन मॉर्निंग में आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट ज्यादा आ जाए, समझ लीजिएगा कि बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है, आप ट्रेनिंग में उतने एफर्ट नहीं लगाइए, नहीं तो वो इंजरी को लीड कर सकता है। अब दूसरा आता है कि ट्रेनिंग के लिए भी हार्ट रेट होते हैं। तो हार्ट रेट को हम आइडियली इन 5 जोन्स में बांटते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, उससे आपको हार्ट रेट फॉलो करना है। लेकिन मैं यहां पे 2 फैक्टर लूंगा, एक तो होता है रिकवरी हार्ट रेट, और एक जो होता है हमारा रिकवरी रन हार्ट रेट। ये दोनों बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हार्ट ट्रेनिंग करके आपकी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, आपको इंजरी हो रही है, आपकी बॉडी रिवर्ट नहीं कर रही है। तो जब आप रिकवरी हार्ट रेट चेक करते हैं, रिकवरी हार्ट रेट भी आपको सुपीरियर वेना कावा से ही लेना है। मान लीजिए आपने 1 किलोमीटर का रेपिटेशन लगाया, उस रेपिटेशन के बाद आपके कोच ने आपको कहा 2 मिनट का रेस्ट है, लेकिन जब लास्ट के 40 सेकंड बचे, उसी 40 सेकंड में 30 सेकंड के लिए सुपीरियर वेना कावा की एक बार बीट ले लीजिए। अगर आपका रिकवरी के समय हार्ट रेट 120 से कम नहीं आया, तो 30 सेकंड में आपकी 60 बीट आनी चाहिए सिर्फ। अगर 60 बीट आई है तो आप अगले रेपिटेशन के लिए रिकवर हो चुके हैं, अगर नहीं आई है तो फिजियोलॉजिकली आप रिकवर नहीं हुए हैं। कोच का जो रेस्ट का आपको वहां पे सजेशन है वो साइंटिफिक नहीं है, आपके रेपिटेशन धीरे धीरे स्लो होते चले जाएंगे, आपकी रिकवरी स्लो होगी, क्योंकि आपने बॉडी को एक्स्ट्रा पुश कर दिया। अब तीसरा आता है कि रिकवरी रन हार्ट रेट। तो जैसा कि हम एक दिन हार्ट ट्रेनिंग करते हैं, आइडली 10 किलोमीटर तक के रनर को सिर्फ हफ्ते में 3 दिन हार्ट ट्रेनिंग अलाउड होती है, बाकी दिन उनको रिकवरी रन करने होते हैं, उनको लूजन अप रन करने होते हैं। तो जब भी आप रिकवरी रन या लूजन अप रन कर रहे हैं, तो जो आपका हार्ट रेट है वो 140 से ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए पर मिनट। आप इसको कैसे चेक करें, मान लीजिए आप भागे, आप 5 किलोमीटर भागिए, और 5 किलोमीटर में 30 सेकंड के लिए रुक करके काउंट ले लीजिए, तो 140 के लिए आपकी 30 सेकंड में 70 बीट आनी चाहिए। अगर आपकी 70 बीट आ रही है तो आप रिकवरी रन हार्ट रेट पर भाग रहे हैं। इस हार्ट रेट सिस्टम को फॉलो करके मैं आपको अश्योर करता हूं कि आप अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं, आपकी रिकवरी अच्छी हुई है कि नहीं हुई है ये आप जान सकते हैं। बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही रियलिस्टिक फॉर्मूला है, टिप है, जो मैंने आपसे शेयर की है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ऐसी और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर करिए, अपना सपोर्ट दीजिए। जब तक नया वीडियो आता है,
कीप ट्रेनिंग, कीप रनिंग। जय हिंद।